अच्छा तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आप लोगों को मेरी यहाँ पे स्लाइड दिख रही है? ऑल सर। राइट, एंड आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। इनकेस अगर मेरी आवाज ब्रेक हो रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो, देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इफ एट ऑल दैट इज अ केस, देन प्लीज लेट मी नो दैट। सो दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर, आपका अगला चैप्टर जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये वाला चैप्टर हमने अब स्टार्ट करना है और इसमें आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, हमें ये समझना है कि हिस्ट्री क्या थी आपके क्लासिफिकेशन की। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन के अंदर आपका एक बेसिकली आपका एक हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, उसको थोड़ा हम यहाँ पे समझेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस कि यहाँ पे आपकी हिस्ट्री की बैकग्राउंड यहाँ पे क्या आएगी। तो हम चालू करते हैं यहाँ पे हमारे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के साथ। सो आप इतना तो जानते हो कि आपका टेक्सोनॉमी में क्या होता है, दैट इज समथिंग जो इम्पोर्टेंट है एक अननोन स्पीशीज को जानने के लिए, उसे प्लेस करने के लिए एक सही कैटेगरी के अंदर। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन किसने दिया था, किस तरीके से दिया था, और उनके अंदर क्या दिक्कतें थी या क्या ड्रॉबैक्स थे। सो वी ट्राई टू सी देम आज, ठीक है। सो जब मैं बात करता हूँ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे यू कैन हैव एक नाम आपके सामने आएगा, दैट इज योर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने आपका सबसे पहले, आई वुड से सबसे पहला, सबसे क्रूड, सबसे सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। तो देखिए एरिस्टोटल का काम यहाँ पे क्या था। सो एरिस्टोटल गिव यू द क्लासिफिकेशन, इन्होंने दिया था आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन, और इन्होंने कैसे दिया था, तो इन्होंने बेसिकली ये बोला था, इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था दो कैटेगरी के अंदर। सो एरिस्टोटल ही सेड दैट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एंड दोस टू कैटेगरीज वर माय एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड सेल्स, राइट। सो एनिमल्स विद रेड ब्लड, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। तो इन दो कैटेगरीज के ऊपर आपने किया था यहाँ पे क्लासिफिकेशन एनिमल्स का। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, उसने बोला कि एनिमल्स में जिसमें रेड ब्लड होता है वो एक अलग कैटेगरी में जाएंगे, जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता उनको हम अलग कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अब जब ये एरिस्टोटल ने ऐसा बोला तो ये बहुत ही एक क्रूड और सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था, इसमें ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें कई सारे फ्लॉज होंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपका नॉन रेड ब्लड के अंदर सब कुछ यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, आपका इसमें क्रैब आ जाएगा, आपके अंदर इसका कॉकरोच आ जाएगा। अब इनका कोई रिलेशन तो यहाँ पे ज्यादा बन नहीं रहा, तब भी आप उसे एक कैटेगरी में डाल लो। रेड ब्लड में भी आपके सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, फिश भी आपके इसके अंदर आएगी, इवन आपका यहाँ पे वल्चर भी इसके अंदर आएगा। सो दिस क्लासिफिकेशन जो आपका था वो काफी क्रूड था, इट वॉज नॉट वेरी लाइक ऐसा था कि इसको बहुत एनालिसिस करके या समझ के किया था, बहुत सुपरफिशियल सिंपल यहाँ पे ये था क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने यहाँ पे दिया था। सिमिलरली एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को भी डिवाइड किया। सो प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी को देखते हुए ही डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू योर श्रब्स। हाँ जी बेटा, किसी का माइक ऑन है, इफ पॉसिबल अपना माइक बंद कर लीजिए। हर्ब्स एंड योर ट्रीज, सो प्लांट्स को भी उन्होंने तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हुए, राइट, सिंपल मॉर्फोलॉजी को देखा और प्लांट्स को तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो अगेन जब उन्होंने ये किया तो इसमें कुछ ज्यादा लाइक यूजफुल था नहीं, कई सारे ऐसे प्लांट्स एक साथ आ रहे थे जिनका कोई रिलेशन नहीं था, राइट। सो दिस क्लासिफिकेशन वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, या मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियली तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन इतना वो यूजफुल था नहीं, राइट। सो इट हैज मेनी ड्रॉबैक्स ओवर हियर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप अनरिलेटेड स्पीशीज को आप एक कैटेगरी में डाल लो, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे यही था दैट अनरिलेटेड स्पीशीज वर केप्ट इन अ सिंगल कैटेगरी, ये बात भी याद रखना। इसके अंदर आपकी कई सारी, बहुत सारी अनरिलेटेड स्पीशीज वर केप्ट इन सिंगल कैटेगरी, इन सिंगल कैटेगरी। तो ये इसके थे ड्रॉबैक्स। अब इसके बाद सो ये आपका काम था एरिस्टोटल का, तो याद रखना इन्होंने एनिमल्स को रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड के अंदर डिवाइड किया और प्लांट्स को हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल मॉर्फोलॉजी। सो ये किया था आपका काम एरिस्टोटल ने, तो ये एक नाम हम याद रखते हैं। और याद रखना ये इतना यूजफुल नहीं है क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज नॉट सो यूजफुल, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं एरिस्टोटल अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑन द बेसिस टू बी मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने जब यहाँ पे किया सो ही यूज्ड अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यहाँ पे
टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स. तो इसको इसके अंदर इन्होंने क्लासिफाई किया. एरिस्टोटल ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट हैव. तो जिनके अंदर रेड ब्लड था उनको आपने यहाँ पे अलग कर दिया, जिनमें रेड ब्लड नहीं था उनको आपने अलग कर दिया. सो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था. दैट इज समथिंग ही डिड. एनिमल्स को भी यहाँ पे लाइक विदाउट रेड ब्लड, विद रेड ब्लड के अंदर इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया था. जो अगेन मैं वापस बोल रहा हूँ, ये कहीं से भी आपके लिए यूजफुल नहीं था. दैट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज वेरी मच यूजफुल. ठीक है, अब इसके बाद आपका जो ज्यादा बेटर और ज्यादा एक्सेप्टेबल जो आपका क्लासिफिकेशन दिया गया वो दिया आपके कार्लस लीनियस ने. सो कार्लस लीनियस ने आपको दिया यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन. याद रखिएगा, कार्लस लीनियस ने आपको दिया था यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन. और इसको हम थोड़ा समझते कि ये किस बेसिस पे दिया था. सो इन्होंने आपके दो किंगडम बनाए थे. एंड दोस्तों, किंगडम्स ओवर देयर वर माय एनिमेलिया एंड प्लांटे. सो दो किंगडम जो मेरे यहाँ पे थे, एक था मेरे यहाँ पे एनिमेलिया और दूसरा किंगडम था मेरे यहाँ पे एज अ प्लांटे. तो ये दो किंगडम बना के आपके सामने रखे थे आपके कार्लस लीनियस ने, जिनको हम इवन जानते हैं फॉर एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. सो इन लोगों ने आपको दो किंगडम यहाँ पे आपके सामने रख दिए. अब ये जब दो किंगडम इन्होंने यहाँ पे बनाए, तो क्वेश्चन ये कि बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजों को अकाउंट में लिया, क्या क्या चीजें उन्होंने समझी, तो ये चीज को हम यहाँ पे देखते हैं. तो कार्लस लीनियस ने सेल वॉल को अकाउंट में लिया, सेल वॉल को उन्होंने समझा, राइट. कई सारी बुक्स मेंशन करती है कि उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे एनिमेलिया और प्लांटे बनाया, बट इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जो उन्होंने अकाउंट में ली थी. ठीक है, तो पहले तो उन्होंने सेल वॉल को एज अ कैरेक्टर स्टडी किया, फिर उन्होंने स्टडी किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी उन्होंने अकाउंट में लिया कि कौन क्या है, कोई ऑटोट्रॉपिक है या कोई आपका हिटरोट्रॉप है, ये भी उन्होंने अकाउंट में लिया. देन उन्होंने स्टडी किया लोकोमोशन, उन्होंने लोकोमोशन को भी अकाउंट में लिया. लोकोमोशन मतलब क्या आपका एनिमल मूव कर पा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है या नहीं जा पा रहा, ये भी चीज उन्होंने यहाँ पे देखी. उसके बाद ही ऑल्सो टुक इनटू अकाउंट समथिंग लाइक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. तो ऐसे कुछ कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया, ऐसे कुछ कैरेक्टर को यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने आपके सामने ये क्लासिफिकेशन रखा, राइट. याद रखना, इनका जो तरीका था वो एरिस्टोटल से तो ज्यादा बेटर था. एरिस्टोटल ने तो ब्लड है नहीं है उसके बेसिस पे कर दिया या जनरल मॉर्फोलॉजी के ऊपर कर दिया. इन्होंने थोड़ी चीजों को डिटेल में समझने की यहाँ पे कोशिश की. ठीक है, तो याद रखना, कार्लस लीनियस ने जब आपको ये क्लासिफिकेशन दिया तो ही स्टडीड फ्यू कैरेक्टर्स, सेल वॉल है या नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, लोकोमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस वो आपका प्लांटे एनिमल शो कर रहा है नहीं कर रहा. तो इन चीजों को समझ के उन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया यहाँ पे बना लिया. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें दिख रहा था कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, अगर उन्हें दिख रहा है कि सेल वॉल आपकी बनी हुई आपकी सेलुलोज की, तो वो सीधे सीधे उसे रख देंगे इनटू योर प्लांटे. और मैं कहूंगा इवन दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हिच व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू, ये भी नहीं. अगर उन्हें सेल वॉल दिख रही है, अगर उन्हें दिख रहा है कि यार सेल वॉल तो है, तो वो क्या करेंगे, उसको रख देंगे वो प्लांटे के अंदर. सो लेट्स से इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट, अगर आपको सेल वॉल दिख रही है, दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से अगर वो प्रेजेंट है, अगर आपको दिख रहा है दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका है यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक, दैट मींस अपना खाना वो खुद बना रहा है, अगर ये आपको दिख रहा है. अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो एनिमल है, जो आपका प्लांट है, वो आपका लोकोमोशन शो नहीं कर रहा, सो आई विल राइट ओवर हियर नो लोकोमोशन. देन ऐसे कैरेक्टर को स्टडी करके, या अगर उन्हें वो दिख रहा है कि ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा स्टिमुलस को, राइट, और नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, सो अगर उन्हें ऐसे कोई कैरेक्टर दिखते थे तो वो उसे उठा के रख देते थे प्लांट्स के अंदर. तो उन्होंने ऐसे एनिमल को उठा के रख देना है प्लांट के अंदर. सो दे विल से दैट दीज ऑल कैरेक्टर बिलोंग टू माय प्लांटे किंगडम. तो उन्होंने बोला कि ये जो कैरेक्टर मेरे यहाँ पे शो कर रहा है, इन सबको हम डाल देंगे सिंपली इनटू योर प्लांटे. तो ऐसी चीजों को अकाउंट में लेके ही वॉज एक्चुअली क्लासिफाइंग इनटू प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो याद रखना, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये सब वो सुपरफिशियली स्टडी कर रहे थे
और बेसिस ऑफ दैट उन्हें वो क्लासिफाई कर रहे थे। अब आप ये बात जानते हो कि यार हम लोग जो रिस्पॉन्स देते हैं या एनिमल्स जो रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस को, क्योंकि हमारे वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन है, हमारे पास ईयर है, नोज है, वी हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। सिमिलरली एक लिजार्ड है, स्नेक है, दे विल हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, बट प्लांट्स के पास नहीं होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो रिस्पॉन्स नहीं करा स्टिमुलस को उसे प्लांट में डाल दो, जो मूवमेंट नहीं शो करा उसे प्लांट में डाल दो, राइट, जो खुद से खाना बना रहा है उसे आप प्लांट में डाल दो, या जिसमें सेल वॉल है उसको आप प्लांट में डाल दो। तो ऐसे करके उन्होंने क्लासिफाई किया। सेम चीज उन्होंने एनिमिलिया के लिए भी की। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें लग रहा है कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है, अगर एक एनिमल में एक सेल में सेल वॉल नहीं है उसे आप एनिमिलिया में डाल दो, राइट। इफ दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, अगर वो खाना खुद से नहीं बना पा रहे तो उसे एनिमिलिया में डाल दो। तो इस तरीके से आपके कार्लस लिनस ने बेसिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया था और आपको दिए थे दो किंगडम, दैट वॉज माई एनिमिलिया एंड प्लांटे। तो पहले तो आपको ये चीज यहाँ पे समझनी कि उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया। तो ये बताओ, क्या ये स्लाइड पे जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, कोई टर्म या कोई चीज अगर समझ ना आए देन इंटरप्ट करके बता देना कि सर ये समझ नहीं आ रहा, देन आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे की। अब इसके बाद, ये करने के बाद उन्होंने एनिमिलिया भी बना लिया और प्लांट भी बना लिया। अब दिक्कत क्या आ रही है? नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। इनके कई सारे ड्रॉबैक्स इनके क्लासिफिकेशन को इनिशियली तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया, इनिशियली तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी है ठीक है, अच्छा है। बट लेटर ऑन जो देखा जाए तो काफी सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने काम किया था, तो उसे आप एक्सेप्ट करते कर भी सकते थे, बट बाद में इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी दिख रहे थे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ओवर हियर। तो अगर हम इनके ड्रॉबैक्स देखते हैं तो ड्रॉबैक्स इनके काफी जेन्युइन है यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई टू सी सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ योर टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक्स भी आपको याद रखने चाहिए अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, देन यू शुड ऑल्सो नो ड्रॉबैक्स ओवर देयर। एक ड्रॉबैक था मेरा यहाँ पे कि आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को उन्होंने साथ में रख दिया था। सो दे हैव केप्ट यूकैरियोट्स and prokaryotes in a single category and prokaryotes into single category or I would say in a single group। इन दोनों को उठाकर उन्होंने सिंगल ग्रुप में रख दिया। कैसे रख दिया, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप यहां पर देखो कि आपका एग्जाम्पल आ गया, लेट्स से यू हैव अ ग्रीन एल्गे, यू हैव अ ग्रीन एल्गे। अब ग्रीन एल्गे जो आपका होता है उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए दैट दे विल हैव द सेल वॉल। आपको सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी मिल जाता है, तो आपने दोनों को क्या किया, दोनों को आपने प्लांट में डाल दिया। आपने देखा कि यार अरे बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल है, उसे आप प्लांट में डाल दो, दैट इज व्हाट ही डिड। तो इसलिए आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को उन्होंने सिंगल ग्रुप में डाल दिया, जो कहीं से भी सही नहीं है। तो एक तो ये है इसका ड्रॉबैक, दैट इज ड्रॉबैक नंबर वन ओवर हियर। दूसरा ड्रॉबैक मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, या सेकंड ड्रॉबैक आई कैन राइट ओवर हियर, वो आपका यहाँ पे हो सकता है दैट यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एनिमल्स को भी इन्होंने एक साथ रख दिया था। So, कई सारे आपके यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर स्पीशीज को उन्होंने साथ में रख दिया था, वर केप्ट इन अ सिंगल ग्रुप, वर केप्ट इन सिंगल ग्रुप। ये भी आपका जो इवेंट, ये भी जो आप इन्होंने किया था वो सही नहीं था। यू कैन नॉट कीप यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स इन अ सिंगल ग्रुप, तो ये भी आप कर नहीं सकते। तो एक तो ये को ड्रॉबैक था इसके अंदर। जैसे आपने स्पायरोगायरा हो गया, वो भी एक एल्गी होता है लेकिन वो होता है आपका मल्टीसेल्युलर। उसके साथ आपने एक और एल्गी था क्लेमाइडोमोनास, उसको आप उन दोनों को आपने एक रख दिया, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये भी इनकी एक यहाँ पे गलती थी, गलती इन द सेंस ये भी एक यहाँ पे ड्रॉबैक था उनके क्लासिफिकेशन का, तो ये भी आपको मिल जाता देखने के लिए। देन यू विल ऑल्सो गेट टू सी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लोग फंगाई को सही से समझ ही नहीं पाए थे। इनको क्या लगा था कि फंगाई प्लांटे के अंदर आएगा, तो इन्होंने फंगाई को प्लांटे के अंदर डाल दिया, जबकि फंगाई कभी भी आपका प्लांटे में नहीं आता, यह बात आप जानते हो, लाइक इस एज पे तो आप जानते ही हो। सो ही दे केप्ट फंगाई इनटू द प्लांटे, सो फंगाई वॉज केप्ट अंडर द प्लांटे, जबकि वो प्लांट नहीं है कहीं से भी हो, बट ये उन्होंने यहाँ पे किया था। उन्होंने देखा कि फंगाई में सेल वॉल है, वो मूव नहीं कर सकता, मोबाइल नहीं है, तो उसको प्लांट में डाल दिया।
तो ये कुछ आपके यहाँ पे ड्रॉबैक्स थे, ये आपके यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे कि समथिंग लाइक पैरामीशियम एंड अमीबा, अगर हम बात करें यहाँ पे अमीबा की, अमीबा आपने सुना होगा, इवन आपने सुना होगा आपका यहाँ पे पैरामीशियम। सो समथिंग लाइक पैरामीशियम एंड योर अमीबा, इनको इन्होंने डाल दिया था एनिमेलिया के अंदर, वर केप्ट इन एनिमेलिया। क्यों? क्योंकि ये लोग मूवमेंट शो कर रहे थे, सो दे वर केप्ट इन एनिमेलिया। सो अगेन इनका जो क्लासिफिकेशन था उसमें कई सारे लूप होल्स थे, कई सारे इसके अंदर ड्रॉबैक्स थे जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये चार चीजें याद रखें यहाँ पे, जैसे कि एनिमेलिया पैरामीशियम को उन्होंने एनिमेलिया में डाल दिया, फंगाई को उन्होंने डाल दिया प्लांटे के अंदर, दे थॉट कि उसके अंदर सेल वॉल है तो ये प्लांटे होगा, तो उन्होंने प्लांटे के में डाल दिया। कई सारे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर स्पीशीज को उन्होंने सिंगल ग्रुप में रख दिया, एंड यूकेरियोट्स और प्रोकेरियोट्स को, मतलब बैक्टीरिया और जो भी यूकेरियोट्स थे उन सब को उन्होंने डाल दिया एक ग्रुप के अंदर। इतना याद रख लेना कि जब भी आपके सामने प्रोकेरियोट टर्म आता है दैट मीन्स बैक्टीरिया, जब भी आपके सामने प्रोकेरियोट्स टर्म आता है याद रखना इट विल इंक्लूड ऑल द बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरिया और दूसरी यूकेरियोट्स को उन्होंने रख दिया एक ग्रुप के अंदर। सो ये थे मेरे यहाँ पे चार ड्रॉबैक, ये आपके चार ड्रॉबैक थे जो आपको क्लियरली दिख रहे थे आफ्टर माय टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये चार चीजें पहले आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी। तो ये सब हम देख लेते फटाफट, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये बात हम जानते हैं। लीनियस गेव अस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी हम जानते हैं। ही ग्रुप द एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया रिस्पेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि सेल वॉल के बेसिस पे किया था, बट और भी कई सारे ट्रेड्स उन्होंने वहां पर फॉलो किए थे, तो मेनी अदर ट्रेड्स ही एक्चुअली फॉलोड। ड्रॉबैक्स इस बार देखते हैं। इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन prokaryotes and eukaryotes are placed into the same kingdom, right? उन दोनों को आपने same kingdom में यहाँ पे डाल दिया, right? जो actually में कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है? Then, in two kingdom classification, unicellular, देखो, ये जो मैं आपको example दे रहा था, Chlamydomonas एक आपका green algae होता है, ये basically आपका होता है यहाँ पे green algae, this is the green algae. Similarly, chlorella भी आपका green algae होता है, तो इन दोनों को, they are my unicellular. और आपका ये है एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा, ये भी आपका ग्रीन एल्गे, इनको इन्होंने साथ में रख दिया था प्लांट किंगडम के अंदर। सो बेसिकली क्या किया उन्होंने, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख दिया था एक पर्टिकुलर किंगडम के अंदर, जो वो टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं था बिकॉज दे हैड सेल वॉल। तो ये था ड्रॉबैक नंबर टू, राइट? ये आपका ड्रॉबैक नंबर वन आ गया, ये आपका हो गया ड्रॉबैक नंबर टू आ गया यहाँ पे। एंड देन यू हैव ड्रॉबैक नंबर थ्री कि आपके जो फंगाई थे हिटोट्रॉपिक, जो आपके फंगाई थे यहाँ पे एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स और फंगाई को इन्होंने साथ में रख दिया था बिकॉज उनके पास सेल वॉल थी, राइट? इवन दो सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होता है, याद रखना फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है काइटन से, ये बात याद रखना, फंगाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय काइटन। और ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, राइट? बिल्कुल सही, इट इज मेड अप ऑफ योर सेल्यूलोस। सो ग्रीन प्लांट्स की वॉल आपको मिलेगी सेल्यूल से बनी हुई, और फंगाई आपको मिलेगी सेल वॉल उसकी बनी हुई यहाँ पे काइटन से, और इन दोनों को भी आपने एक सिंगल ग्रुप में यहाँ पे डाल दिया था जो कहीं से भी सही नहीं था। द फंगाई हैड अ काइटन इन देयर वॉल्स एंड ग्रीन प्लांट हैव अ सेल्यूलोस इन देयर वॉल्स, सो दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, राइट? इन द टू किंगडम सिस्टम पैरामीशियम एंड योर अमीबा वर प्लेस्ड इन एनिमेलिया किंगडम बिकॉज सेल वॉल वॉज एब्सेंट, उन्होंने देखा कि यार इसमें सेल वॉल नहीं है तो इसको एनिमिलिया में डाल दो। तो ये थे आपके ड्रॉबैक्स, दीज वर द ड्रॉबैक्स जो आपको मिले थे आफ्टर द क्लासिफिकेशन डन बाय माय कार्लस लीनियस। कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको ड्रॉबैक्स के बेसिस पे, सो प्लीज मेक श्योर कि ये भी आपको यहाँ पे याद रहे, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। अब यहाँ पे आपके सामने तीन पिक्चर है, यू कैन सी थ्री पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी पिक्चर काफी अलग है, विच ऑफ दिस पिक्चर इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट ओवर हियर। आप इसको देख के अलग क्या लग रही है, आप इसे अलग क्यों कह रहे हो, व्हाई यू आर सेइंग दैट इट्स डिफरेंट, मतलब क्या बोलना चाहोगे इस बारे में आप? आवाज कट गई बेटा, एक बार फिर बोलना पड़ेगा।
माइक्रोस्कोपिक है ये, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है बिल्कुल, ये माइक्रोस्कोप नीचे ये दिखेगा आपको। सो बेसिकली ये ए वाला जो है समझो ये मेरा एक प्लांट है, बी वाला भी मेरा प्लांट है लेकिन वो एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन जो सी वाला मेरा यहाँ पे है दिस इज बेसिकली माय ब्लू ग्रीन एल्गे, ये मेरा यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ब्लू ग्रीन एल्गे एक्चुअली में एल्गे नहीं होता, ये बात आज जान लो और हमेशा याद रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गे बेसिकली एल्गे नहीं होता, ये होता है आपका बैक्टीरिया, ये एक्चुअली में होता है आपका साइनोबैक्टीरिया। सो ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है ना दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ब्लू ग्रीन एल्गे एक्चुअली में एल्गे है ही नहीं, वो एक्चुअली बैक्टीरिया है, वो एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और याद रखना कि उसको एल्गे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो डिस्कवर्ड किया था तो लोगों को लगा था कि यार ये एल्गे ही है, क्यों, क्योंकि उसका ग्रीन कलर था, सो पीपल थॉट कि यार बेसिकली ये एल्गे है। बट ज्यादा फर्दर स्टडीज करने के बाद आपको पता चला कि अरे ये तो एल्गे नहीं है, दिस इज नॉट एल्गे, इट इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया। याद रखना जब भी आपके सामने ब्लू ग्रीन एल्गे आएगा तो उसे आप प्लांट्स में कंसिडर मत करना, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी योर साइनोबैक्टीरिया, वो एक्चुअली में आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं, सो बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। एंड वी हैव सीन द ड्रॉबैक्स ऑफ द कार्लसिनस क्लासिफिकेशन। अब आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपका आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, सो लेट्स सी दैट। सो ये आपको मिला था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन टू यू बाय अर्नेस्ट हैकल। सो अर्नेस्ट हैकल ने आपको दिया यहाँ पे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आप ये चीज याद रखिए कि आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिल जाता, लाइक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार किसको कहाँ पे रखना है, काफी ज्यादा वहां पे दिक्कतें आ रही थी। सो अर्नेस्ट हैकल यहाँ पे आए और उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, ही क्रिएटेड अ न्यू किंगडम, इन्होंने नया किंगडम यहाँ पे क्रिएट किया, और जो नया किंगडम इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया दैट वॉज माई प्रोटिस्टा। इतना याद रखना बस आप लोग कि इन्होंने एक नया किंगडम यहाँ पे क्रिएट किया एंड दैट किंगडम वॉज कॉल्ड एज माई प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जब इन्होंने किंगडम यहाँ पे क्रिएट किया तो इस किंगडम के अंदर आ रहे थे आपके, इन्होंने क्या किया, सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में उन्होंने रख दिया। सो ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वर कैप्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने सारे के सारे यूनिसेल्युलर स्पीशीज को यहाँ पे रख दिया। तो ये काफी अच्छी बात थी, अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि अब सडनली क्या हुआ था कि जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर मिक्स हो रहे थे वो थोड़े से अलग हो गए, जितने भी आपके यूनिसेल्युलर थे उन सबको आपने एक कैटेगरी में डाल दिया और उन्हें हम यहाँ पे बोलते थे प्रोटिस्टा। तो याद रखना प्रोटिस्टा आने के बाद आपके पास तीन किंगडम यहाँ पे बन चुके थे, एक तो आपका पैलेसी था, यू हैड योर प्लांटे, प्लांटे तो आपका था ही, वो उसको किसी ने छेड़ा नहीं। Then you had your animalia. और तीसरा जो आपको यहाँ पे मिला था that was your protista. जो third kingdom आपको यहाँ पे मिला था that was your protista. तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, these are the three things you have to know. These are the three kingdoms you have to know. तो याद रखना है ये तीन kingdom आपको मिले थे या three kingdom classification आपको दिया था आपके Ernest Haeckel ने, ये कई बार आपको question में आ सकता है तो ये याद रख लेना। सेकेंड चीज याद रखना कि यहाँ पे आपका जो ऐड किया था नया किंगडम दैट वाज माय प्रोटिस्टा, और इसके अंदर सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को आपने पकड़ के रख दिया था। सो ऑल द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वर केप्ट इन दिस, तो ये इन्होंने यहाँ पे कर दिया था। बट ये करने के बाद भी थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन था, इसमें भी ड्रॉबैक्स थे, अब इसके ड्रॉबैक्स को हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे नहीं, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे समझो, अभी भी आप यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को आप सेपरेट नहीं कर पाए थे। तो जब उन्होंने सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया तो उसमें बैक्टीरिया भी थे और उसमें आपके एल्गे भी थे, तो यहाँ पे भी आपका दिक्कत ही आ रहा था दैट यू आर नॉट एबल टू सेपरेट यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो अभी भी याद रखना यहाँ पे ड्रॉबैक यही था दैट यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स वर इन द सिंगल ग्रुप, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स वर इन सिंगल ग्रुप, आई वुड से वर इन सिंगल किंगडम। तो ये था इसका यहाँ पे ड्रॉबैक। तो यहाँ पे भी आपको ड्रॉबैक मिलेंगे
और भी थे लेकिन हम फिलहाल एक के तरफ ही ध्यान देते हैं जो हम ज्यादा इजीली समझ सकते हैं. सो दैट इज समथिंग यू विल सी. ये आपका एक ड्रॉबैक था जो अभी भी था, अभी भी मेंटेन था इवन आफ्टर प्रोटिस्टा ऐड करने के बाद भी. सो दैट वाज अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. लेकिन एक अच्छी चीज थी कि इन्होंने जितने भी आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे उनको एक अलग सा ग्रुप उन्होंने यहाँ पे दे दिया. तो ये चीज याद रखना. दो चीज आपको याद रखनी है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने. कौन सा किंगडम इसमें ऐड किया था, दैट वाज नॉट प्रोटिस्टा. एंड इसका एक ड्रॉबैक क्या था वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर. सो ये हो गया मेरा थ्री किंगडम. अब मेरा यहाँ पे आ गया इसके बाद, नाउ आफ्टर दैट आई विल हैव द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. अब यहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल है दैट वॉज माई एफ एच कोपलैंड. सो एफ एच कोपलैंड हमारे अगेन एक बायोलॉजिस्ट है, काफी वेल नोन बायोलॉजिस्ट है, वो आ गया है. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और यहाँ पे किंगडम ऐड किया. इन्होंने जो यहाँ पे किंगडम ऐड किया वो था आपका यहाँ पे मुनेरा. तो ये आ गया है, इन्होंने देखा कि अभी भी कई सारे कंफ्यूजन है लोगों को, तो इन्होंने आके स्टडी किया एनिमल्स को ध्यान से. एंड उसके बाद इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया एंड दैट किंगडम कॉल्ड वाज मुनेरा. और अगर आपसे कोई पूछे कि मुनेरा में क्या आता है, तो मुनेरा में उन्होंने सारे के सारे बैक्टीरियाज को एक साथ रख दिया. सो मुनेरा वॉज अ किंगडम जिसके अंदर ऑल बैक्टीरियाज वर केप्ट. सो मुनेरा ये आपका वो किंगडम था जिसमें ऑल बैक्टीरियाज वर इंक्लूडेड. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जब आपका मिला था आपको, तो कौन सा नया किंगडम ऐड हुआ था. सो दैट वाज वन मुनेरा. और जब इसको ऐड किया था तो उसके अंदर आपके सारे बैक्टीरिया को आपने ऐड करके रख दिया था. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो ये ऐड करने के बाद आपके चार किंगडम अब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. नाउ यू हैड योर प्लांटे, नाउ यू हैड योर एनिमेलिया, उसके बाद आपका था यहाँ पे प्रोटिस्टा जो आपको अर्नेस्ट हैकल देके गए थे, और उसके बाद आपको जो नया मिला दैट वाज माय मुनेरा. अब यहाँ पे इतना सारा आपको किंगडम मिलने के बाद भी एक आपका ग्रुप था एनिमल्स का, या एक ग्रुप था आपके स्पीशीज का जिसको अभी तक जस्टिफिकेशन मिला नहीं था. क्या आप बता सकते हो कौन सा ग्रुप था जिसको अभी तक जस्टिफिकेशन मिला नहीं था? कैन यू टेल मी दैट? किंगडम मिल गए थे एंड मुनेरा के अंदर आपके सारे बैटरी आपने यहाँ पे ऐड कर देते, ऑल द प्रोकैरियोट्स वर एडेड ओवर हियर. बट फंजाय को अभी भी उसका अलग सा किंगडम नहीं मिला था, उसको लेके अभी भी लाइक कई सारे आपकी लाइक कॉम्प्लिकेशन या वुड से कंफ्यूजन अभी भी था. और वो आपका दूर हुआ जब आर एच विटेकर ने आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया. सो आर एच विटेकर एक्चुअली केम फॉरवर्ड एंड गेव अस द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो याद रखिएगा आर एच विटेकर ने आगे आके काफी डिटेल में, आई वुड से काफी डिटेल में या एक्सटेंसिव तरीके से फंगाई को स्टडी किया. सो एक्चुअली स्टडी द फंगाई एक्सटेंसिवली. सो एक्चुअली केम एंड फंगाई जो आपका जो ग्रुप था उसको ने स्टडी किया, काफी एक्सटेंसिव स्टडी उसके ऊपर की. आफ्टर डूइंग सम एक्सटेंसिव स्टडी ऑन फंजाई, उनको रियलाइज हुआ कि यार इसको हम प्लांटे के साथ नहीं रख सकते, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, इसकी सेल वॉल अलग है, और इसके जो कैरेक्टर्स है वो बिल्कुल प्लांट से यहाँ पे अलग होंगे. और जब उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया तो उनको अल्टीमेटली ये उनको रियलाइज हुआ कि हमें एक नया किंगडम यहाँ पे बनाना पड़ेगा. एंड दैट न्यू किंगडम ओवर हियर वॉज माय फंजाय. तो पांचवा किंगडम जो आपको यहाँ पे मिला दैट एक्चुअली केम एज अ किंगडम फंजाय, वो हमें मिला आर एच विटेकर के काम के जैसे. सो द न्यू किंगडम विच केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट वाज योर फंजाय. तो ये आपको देखने के लिए मिला आफ्टर द आर एच विटेकर. अब आर एच विटेकर ने सिर्फ फंजाय को यहाँ पे स्टडी नहीं किया, आप एक बात समझिए कि जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया तो कई सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया, कई सारे कैरेक्टर को उन्होंने काफी डिटेल में स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आगे रखा. सो लेट सी दैट कि वो पांच कैरेक्टर मेरे यहाँ पे क्या थे. सो आयुष विटेकर ने आगे आके ही स्टडीड द सेल स्ट्रक्चर. उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को हर एक ग्रुप के, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, फंजाई हो, मोनेरा हो या प्रोटिस्टा हो, सबके सेल स्ट्रक्चर को उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया. थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ. कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपके होते हैं सिंगल सेल्ड,
राइट, मतलब दे आर गोइंग टू बी यूनिसेल्यूलर। कुछ एनिमल्स आपके होंगे जिनके अंदर आपको टिश्यू देखने के लिए मिलेगा बट ऑर्गन्स आपको नहीं मिलेंगे। कुछ आपके ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनके अंदर आपको ऑर्गन भी मिलेंगे टिश्यू भी मिलेगा, तो इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार आपको मिलेगा यू हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिर्फ सेल से आपके टिश्यू नहीं है। कुछ में होगा कि टिश्यू आपको मिल रहा है देखने के लिए लेकिन ऑर्गन नहीं है। सो ये चीज भी इन्होंने यहाँ पे अकाउंट में ली, इवन दैट इज समथिंग इन्होंने अकाउंट में लिया फायर किंगडम क्लासिफिकेशन आगे रखने के पहले। देन ही ऑल्सो अंडरस्टूड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कैसे कंज्यूम कर रहा है, कोई ऑटोट्रॉपिक है, हीटरोट्रॉपिक है, पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, वो सब उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल उनका कैसा है, एंड द लास्ट थिंग वॉज माई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी यहाँ पे समझा था। तो आप एक बात समझिए कि आर एच विटेकर ने बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से काम किया था बिफोर ही गिव फायर किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है, ये फीचर्स को आपको याद रखना है, ये क्राइटेरिया को उन्होंने फॉलो किया था, ये आपको हमेशा याद रखना है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी, ये पांच चीजों को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने आगे रखा अपना फायर किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड दैट इज समथिंग ही डिड इन द ईयर ऑफ 1969। इस ईयर में इन्होंने यहाँ पे आपका ये क्लासिफिकेशन आपको दिया। सो आपको यहाँ पे एक फंगा यहाँ पे ऐड हुआ एंड अब आपके लिए जो पिक्चर थी वो काफी ज्यादा क्लियर हो गई थी। सो आफ्टर द वर्क ऑफ आर एच विटेकर आपको एक ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग था कि कौन किस कैटेगरी पर यहाँ पे आएगा। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो दैट आफ्टर हिज वर्क वी हैड अ मच मोर बेटर पिक्चर नाउ। तो यहाँ पे याद रखना कि अब आपके यहाँ पे पांच किंगडम आपके यहाँ पे दिखेंगे। सो नाउ यू विल हैव योर किंगडम लाइक योर मोनेरा, जिसके अंदर मेरे आएंगे सारे के सारे बैक्टीरिया, राइट, ऑल द प्रोकैरियोट्स विल कम अंडर माय मोनेरा। देन यू हैव योर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आएंगे आपके सारे के सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो ये मैं आपको मेंशन करता हूँ, ये प्लीज आप इसमें गड़बड़ मत करना, इसमें आपके आएंगे सारे के सारे आपके प्रोकैरियोट्स। सो ऑल प्रोकैरियोट्स विल कम ओवर हियर। और प्रोकैरियोट्स कभी भी मल्टीसेल्यूलर नहीं होते, वो यूनिसेल्यूलर ही होते, राइट। This will include your unicellular eukaryotes. ये आपके इसके अंदर आ जाएंगे। Then you can have third kingdom is your fungi. इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसमें सारे के सारे मेरे fungi आएंगे। Fourth kingdom is your plantae, which will include all the plants. एंड फिफ्थ किंगडम यहाँ पे आपका आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी एनिमेलिया। फिफ्थ किंगडम आपका यहाँ पे आता है, दैट इज योर एनिमेलिया। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सो दीज आर द फाइव किंगडम्स जो आपको मिलेंगे देखने के लिए गिवन बाय माय आर एच विटेकर। अब ये जो पांच किंगडम यहाँ पे दिए थे, तो एक बात आप याद रखिए कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल चुकी थी अब कि कौन किस में आ रहा है, और काफी अच्छे से उन्होंने स्टडी किया था। तो यहाँ पे दिस इज लाइक आई वुड से वाइडली एक्सेप्टेड था ये जो इन्होंने यहाँ पे किया था, बट इसमें थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे, फ्यू ड्रॉबैक्स वर स्टिल देयर इन दिस काइंड ऑफ किंगडम। तो इसके अंदर आपको कुछ ड्रॉबैक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए, ज्यादा नहीं थे बट कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे थे। पहला ड्रॉबैक यहाँ पे ये था, सो फर्स्ट ड्रॉबैक यहाँ पे ये था इसके अंदर कि आपके जो वायरस होते हैं, वायरस आपके हो गए या वायरॉइड्स आपके हो गए एंड इवन योर लाइकन्स, इनको कहीं पे जगह नहीं मिली थी, राइट। तो इन तीनों को दे वर नॉट प्लेस इन एनी अदर कैटेगरी, वर नॉट प्लेस इन एनी कैटेगरी, वर नॉट प्लेस्ड। सो इनको किसी भी किंगडम में आपने प्लेस नहीं किया था, वायरस, वायरल्स और लाइकन्स को आपने कहीं पे भी आपने प्लेस नहीं किया था। एक ये ड्रॉबैक था, आई वोंट से ड्रॉबैक बट ये लिमिटेशंस थी, मैं ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा लिमिटेशंस, कि इन ग्रुप को आपने अभी भी सही जगह पे आपने प्लेसमेंट नहीं दिया था, राइट, वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स को, दैट्स वन थिंग। सेकंड चीज मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ, द सेकंड थिंग आई कैन टेल यू दैट आर एच विटेकर ने क्या किया था जब उन्होंने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया था, तो कई सारे आपके जो सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स थे उनको उन्होंने रख दिया था आपके प्रोटिस्टा के अंदर। सो बेसिकली क्या किया था उन्होंने, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव योर क्लेमाइडोमोनास,
क्लेमाडोमोनास, क्लेमाडोमोनास बेसिकली आपका एक ग्रीन एल्गे है राइट, बट ये सिंगल सेल्ड होता है, इट इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे राइट। तो इसको आपने रख दिया था प्रोटिस्टा के अंदर, सो ये आपका बेसिकली ग्रीन एल्गे है, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको आपने उठा के रख दिया आपने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये एक चीज उन्होंने यहाँ पे की थी जो अभी हमें समझ आता है कि उन्होंने नहीं करना चाहिए था राइट। सो दिस वॉज केप्ट इन द किंगडम प्रोटिस्टा। तो कुछ ऐसे आपके यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गे थे जिनको प्लांट में रखना प्लांट किंगडम में रखना चाहिए था, बट उन्होंने उसे रख दिया था प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये एक दो चीजें थी जो इनकी लिमिटेशंस थी राइट। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका काम बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड था, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल था, तो इसलिए आई वी कैन क्लियरली सी दैट हिज वर्क वॉज क्वाइट लाइक कमेंडेबल वर्क ही डिड। बट हाँ, वायरस वायरस को यहाँ पे अभी भी जगह नहीं मिली थी, एंड समथिंग लाइक माई क्लेमाडोमोनास या कोई दूसरे जो मेरे यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गे थे उन सबको इन्होंने रख दिया था प्रोटिस्टा के अंदर, जबकि उनको उन्होंने रखना चाहिए था प्लांटे के अंदर। सो दैट इज समथिंग ही डिड विच वॉज स्लाइटली लाइक स्लाइटली नॉट समथिंग विच वॉज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ आर एच विटेकर। तो आर एच विटेकर ने आपको दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये पहली चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज याद रखना कि कौन से क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे फॉलो किए थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड योर फाइलोजेनी, ये पांच क्राइटेरिया फॉलो करके उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन आगे रखा था, जो बहुत ही ज्यादा बेटर था पुराने क्लासिफिकेशन के कंपेयर में। और इसके बाद भी आपको यहाँ पे एक दो लिमिटेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो वायरस वाली आपको लिमिटेशन मिल रही है, उनको अभी तक आपने किसी किंगडम में नहीं रखा था, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लेमाडोमोनास और क्लोरेला जैसे आपके यूनिसेल्यूलर एल्गेस को आपने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था, जबकि उनको प्लांट में रखना चाहिए था। So that is something you did over here. क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Are the limitations clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Please याद रखना limitations यहाँ पे क्या थी और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, right? So this is what he did. इन्होंने अपना five kingdom classification यहाँ पे रख दिया था सामने, ठीक है? That is something he made. और ये एक आपका पिक्चर ही आपका एक टेबल है जो आपके एनसेट में देख रखा हुआ, ये जो आप देख सकते हो, यू कैन जस्ट गो होम एंड सी दैट, इट इज अ वेरी सिंपल पिक्चर जहाँ पे आपके क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखे हुए या कैरेक्टर्स यहाँ पे उन्होंने बोल सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए, इस सेल टाइप क्या है, सेल वॉल है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड देन यू कैन सी वहाँ पे आपके कैरेक्टर यहाँ पे प्लेस किया गया। आप देखोगे कि सेल टाइप के अंदर यू हैव लाइक यहाँ पे आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं मोनेरा सारे के सारे, उसके अलावा जो भी आपको मिलेगा दैट इज माय यूकेरियोट्स। सेल वॉल आपको मिलेगी मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, फंगाई में मिलेगी, प्लांट में मिलेगी, एनिमल्स में होगी सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल आपको एनिमल्स में कभी नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बैक्टीरिया अगर आप कभी स्टडी करो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलता। अच्छा, बाय द वे टेल मी, आप लोगों को स्कूल में लैब का एक्सेस है क्या? आप बायोलॉजी लैब में जाते हैं स्कूल के अंदर? Yes, sir. Okay, so do you have access to use microscope, right? Yes, sir. All right. You can actually do one thing. You can do one thing. You can just take some pani nikalo kahi pond mein se, like thoda sa pani leke jao, add on a slide, and observe under the microscope. You will see many protista running here and there. It's a very good thing. Aur monsoon mein to aapko bahut dikhenge. तो कभी भी जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो वहां से थोड़ा पानी लेके जाओ, टीचर को बोलो कि सर मैम जरा मुझे, सर मैम जो भी है हमें इसको देखना है, इस वाटर को माइक्रोस्कोप नीचे। आई डोंट थिंक कोई आपको मना करेगा, कंसीडरिंग तुम सब लोग पीसीबी के स्टूडेंट हो, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दैट, एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड, कवर स्लिप डालो बढ़िया, एंड देन यू ऑब्जर्व दैट, कोई उसके ऊपर स्टेन डालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ऑब्जर्व करो, यू विल फाइंड नंबर ऑफ प्रोटिस्टा रनिंग हियर एंड देयर, राइट, यू विल फाइंड नंबर ऑफ देम यहाँ से भाग रहे होंगे। बैटरिया शायद ना दिख पाए, 40x पे बैटरिया शायद ना दिख पाए आपको, बट हाँ आपको ये दिख जाएंगे, आपको प्रोटिस्टा आपको काफी क्लियरली आपको दौड़ते हुए दिख जाएंगे। डू दैट एंड ट्राई टू नोट डाउन कि किस किस टाइप के प्रोटिस्टा आपको देखने के लिए मिल जाए, सम ऑफ देम यू विल सी ओवर देयर, और वही चीज आपको कई बार आपके बुक में भी देखने के लिए मिलेगी। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू डू दैट, इफ पॉसिबल यू शुड डू दैट। सो या देन यू हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मोनेरा होता है सेल्यूलर सिंगल सेल्ड होता है, प्रोटिस्टा भी आपका होगा यहाँ पे सेल्यूलर, वो भी आप जानते हो सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन बाकी यहाँ पे जो होता है आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं, टिश्यू लूज होता है, टिश्यू ऑर्गन होता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है, सो दैट इज समथिंग यू विल सी।
एंड देन यू हैव अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आप एक बार फिर खुद से भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर कैरेक्टर्स। हाँ, लिमिटेशंस क्या आता है जो मैंने आपको बताए थे, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स और प्रायंस और लाइकन्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर प्लेस इन टू द किंगडम प्रोटिस्टा। याद रखना दोनों के दोनों मेरे हैं ग्रीन एल्गे, ये भी है मेरा यहाँ पे ग्रीन एल्गे, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्रीन एल्गे जो आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एंड ये भी आपका ग्रीन एल्गे ही है, दिस इज ऑल्सो योर ग्रीन एल्गे, ठीक है। और दोनों के दोनों आपके यहाँ पे होते हैं यूनिसेल्युलर, दोनों सिंगल सेल्ड ही है, बट इनको प्रोटिस्टा में रखना नहीं चाहिए था, बट उनकी गलती नहीं है, ही डिड व्हाट ही कैन डू और बहुत अच्छे से किया, बल्कि देखा जाता हूँ आज वेट करने काम, राइट। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्रायंस मैं आपको समझाता हूँ, आई विल गिव यू अ शॉर्ट आइडिया अबाउट प्रायंस। पहले ये बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है जो भी अब तक हमने यहाँ पे किया, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन आपसे फिलहाल यहाँ पे सोल्व होने चाहिए। अभी हमें एक और हमारे यहाँ पे लाइक कैटेगरी यहाँ पे देखना है, वी हैव टू सी थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, बट आई थिंक बिफोर दैट वी कैन हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, वी कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस, बट वेट। हाँ जी, क्वेश्चन वन का यहाँ पे क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन वन एंड ट्राई टू आंसर दिस। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आरएफ व्हिटकर इज नॉट बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड नहीं है? बिल्कुल सही ऑप्शन है, आपके यहाँ पे सही आंसर आएगा जो यहाँ पे इवन मार्क रहा हुआ है, सो बट स्टिल आई थिंक यू हैव डन बाय योरसेल्फ, सो यस दैट्स द राइट आंसर। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये इन्होंने अकाउंट में लिया ही नहीं था, ये क्राइटेरिया उन्होंने अकाउंट में लिया नहीं था, उन्होंने लिया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उन्होंने लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उन्होंने अकाउंट में लेकर उन्होंने यहाँ पे लाइक ही डिड द क्लासिफिकेशन, सो यस ऑप्शन है आपके यहाँ पे सही स्टेटमेंट नहीं है, ही दिस इज नॉट समथिंग आर एच विटेकर टेक इन टू अकाउंट, इसलिए हमें वो पांच कैरेक्टर वहाँ पे फॉलो करने होते हैं, दैट इज वाई वी हैव टू फॉलो दोस पांच कैरेक्टर, ताकि हमें ऐसे अगर क्वेश्चन है तो हम उन्हें आंसर कर सके, ठीक है। सो देन अगेन दीज आर समथिंग विच हैव बीन मार्क्ड, सो वी विल डू इट लेटर, ये क्वेश्चंस जो अभी हमने मार्क करा हुआ है, सो वी कैन डू देम लेटर, वी कैन हैव अ लुक एट देम लेटर। अच्छा, मैं अभी आप एक काम करता हूँ, आपको प्रांस का थोड़ा आइडिया देता हूँ कि प्रांस होते क्या, ठीक है। सो वायरस वायरस तो हम बाद में पढ़ेंगे, प्रांस का एक आपको रफ आइडिया यहाँ पे देता हूँ कि ये होते क्या है। दे आर जनरली कॉल्ड एज माई इन्फेक्शियस प्रोटीन, इनको हम जनरली कहते हैं यहाँ पे एज अ इन्फेक्शियस प्रोटीन, तो ये बेसिकली कोई एनिमल नहीं है, ये एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन अगर आपके बॉडी में आ जाते हैं देन दे कैन हैव अ डैमेज टू योर बॉडी। सो बेसिकली होता क्या है ना, जब भी आपका बॉडी में कोई प्रोटीन बनता है, सो प्रोटीन की फोल्डिंग करना बड़ा जरूरी होता है, और तभी वो फंक्शनल प्रोटीन बन पाता है। देखो एक चीज समझो, समझो ये एक लेट्स अज्यूम कि एक आपका प्रोटीन, ये नोटबुक आपकी एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनने के बाद वो अपना काम चालू नहीं करता, उसको पहले आपको फोल्डिंग करनी पड़ती है, तो उसको एक तरीके से आप फोल्ड करते हो सही तरीके से, एंड देन उसके बाद वो फंक्शनल प्रोटीन बनता है। जो प्रायंस होते हैं, जो प्रायंस बेसिकली होते हैं, दे आर माई अनफोल्डेड प्रोटीन, अनफोल्डेड एक तो वो होते हैं मतलब वो सही से फोल्ड नहीं होते, ऊपर से दे आर इन्फेक्शियस, दैट मीन्स कि अगर ये बॉडी में कहीं पे इकट्ठा हो रहे देन दे विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डैमेज ओवर देयर। सो प्रायंस आर माई इन्फेक्शियस प्रोटीन एंड दे आर नोन टू लाइक डैमेज द लाइक दे आर नोन टू बी पैथोजेनिक, ये कई सारी डिजीज कॉज कर सकते हैं। अभी तक देखा यह गया है कि प्रांस ने फिलहाल एनिमल्स के अंदर कोई डिजीज, एनिमल्स में ह्यूमंस में कोई डिजीज कॉज नहीं की है, बट आपके मैमल्स में आपको डिजीज देखने के लिए मिलती है, अभी तक कैटल्स में कई बार आपको प्रांस की वजह से डिजीज देखने के लिए मिलती है, और जो भी डिजीज दिखी है ना अभी तक वो सारी ब्रेन रिलेटेड है, राइट। सो यू हैव सीन दैट प्रांस अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, दे अफेक्ट ब्रेन एंड दैट इज समथिंग विच लीड्स टू अ वेरी लीथल कंडीशन, और इसका क्योर फिलहाल तो नहीं है। जितने भी एनिमल्स इससे अफेक्ट होते हैं उनकी मोर्टैलिटी पक्की होती है, मतलब दे विल डाय अल्टीमेटली, राइट। सो इट इज अगेन वन ऑफ द वेरी सीवियर कंडीशन होती है, जिसको ह्यूमंस में क्योंकि स्प्रेड नहीं हो रही फिलहाल, प्लांट्स में आपको दिखती नहीं है, बट दे आर सीन ग्रोइंग इन मैमल्स, अगर मैमल्स में अगर ग्रो कर सकती है देन यू माइट नॉट नो व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, ठीक है। सो फिलहाल आप इतना रह सकते हो, इसको हम आगे एक बार फिर देखेंगे। दे आर माई इन्फेक्शियस प्रोटीन and yes they are known to affect the nervous system, itna tum filhal yaad rakh sakte ho iske andar, theek hai। so that is something we did filhal ke liye, to ye sab unhone kiya tha। agli cheez jo hum yahan pe dekhenge that is my three domain classification, but abhi hum ye karenge nahi, I don't want ki ek din saare ke saare aap yahan pe yaad rakhe,
बट आप मुझे कुछ चीजें यहाँ पे बता सकते हो जो हमने आज किया है। तो अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले जो क्रूड क्लासिफिकेशन आपको मिला था, जो एक आपको एक काफी एकदम सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन मिला था, वो आपको किसने दिया था? Who gave that kind of classification? Aristotle ने दिया था, सबसे क्रूड, सबसे पहला जो दिया था वो आपको दिया था एरिस्टोटल ने, राइट? अब एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर, किस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था? मॉर्फोलॉजी को समझ उन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया था। एनिमल्स को तो डिवाइड किया था ब्लड है नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सो दैट इज समथिंग ही डिड। उसके बाद आपका आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका आया, राइट? उसके बाद दैट इज सेकंड थिंग व्हिच केम, जिसके अंदर अगेन कार्लस लिनियस ने कुछ कैरेक्टर्स को फॉलो किया एंड ही गिव यू द टू किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। आप मुझे बता दो उसके ड्रॉबैक्स क्या आते हैं। एक ड्रॉबैक मुझे पहले बता दो उसका, क्या ड्रॉबैक था? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड इन सेम किंगडम, राइट पुनीत? यस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक उसमें जो थे आपने उन्हें सेम ग्रुप में यहाँ पे रख दिया था, तो एक यहाँ पे आपका ड्रॉबैक था। एक और ड्रॉबैक कोई और बताओ, और ड्रॉबैक इसमें क्या? नो डिफरेंशिएट बिटवीन फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, राइट? सो उन्होंने फंगाई और आपने प्लांट्स को उन्होंने साथ में रख दिया था वहां पे, तो उसको वहां पे लोग डिफरेंशिएट वहां पे नहीं कर पाए थे, दैट्स ट्रू। एनीथिंग एल्स? एक और अमीबा पैरामीशन कैप्ड एनिमल्स, राइट वरुण, अमीबा एंड परमेशियम को आपने एनिमिला के अंदर ग्रुप के अंदर डाल दिया था, जो इसको डालना नहीं चाहिए था, बट उन्होंने बोला कि यार इसके तो सेल वॉल नहीं है, इसको आप एनिमिला में डाल दो, सो दैट इज समथिंग ही डिड। और एक और बता दो, यूनिसेलुलर एंड इज आर कैप्ड सिंगल ग्रुप सर, अमीबा एंड परमेशियम कैप्ड एनिमल, हां जी राइट, शिवांश आपका भी सही है, इवन श्योर आपका भी सही है, कि आपके जो ये थे लाइक मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन सबको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया था। तो ये कुछ आपके चार लाइक ड्रॉबैक्स थे जो आपको मिले थे आफ्टर माय टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये तो आपका हो गया, ये तो आपकी चलो गलतियां थी जो आपने यहाँ पे देख ली। उसके बाद आपका आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, आप मुझे बताओ कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हु गेव अस दैट? अर्नेस्ट शैकल ने आपको दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आपको इन्होंने दिया था। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने जब ये दिया था तो उन्होंने कौन सा किंगडम ऐड किया था, विच किंगडम ही एडेड ओवर देयर? प्रोटिस्टा, ठीक है, याद रखना प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ नहीं है, प्रोटिस्टा याद रखना, सो दैट इज समथिंग ही एडेड ओवर देयर। और इन्होंने जब ये ऐड किया तो इसका एडवांटेज क्या था, व्हाट वाज द एडवांटेज ओवर हियर व्हेन ही एडेड दैट?